अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिशन पे। मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रांजिशन क्या होती है, हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट्स को जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यार एक अहम बात, यार आप लोगों से कितनी दफा मैंने कहा है कि मेरी वीडियोस को लाइव देखा करें। यार आप बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं जो जिनको मैं नहीं जानता, वो आई थिंक सो लाइव देख रहे हैं, लेकिन मेरे अपने दोस्त जो है ना वो क्या करते हैं, मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके देखने शुरू कर देते हैं। मेरा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वीडियो को भी डाउनलोड कर लेते हैं और देख रहे होते हैं, और साथ में क्या करते हैं, कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरा कोर्स नहीं देखते और मुझे क्या पूछते हैं, यार मजीद कुछ हमें बताओ कि कुछ ना अच्छा कोर्स जो है या ये है कुछ एडवांस लेवल का, इस तरह का हमें बताएं। अच्छा, फिर मुझसे ही पूछ के वो कोर्सेज किसी और के देख रहे होते हैं और मेरे कोर्स को साइड पे रखा होता है, और उनके जो मसले मसाइल होते हैं वो फिर मुझसे डिस्कस करते हैं, सर ये काइंडली बता दें, फिर दोस्त के बजाय सर पे आ जाते हैं, सर ये काइंडली एक मसला है, ये काइंडली बता दें। यार हद है वैसे ऐसे दोस्तों की। तो खैर एनीवेज फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त महमूद खान और आप देख रहे हैं लॉजिक्स टट्स। सो कम टू द पॉइंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मैंने घंटी को निशान को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। ओके जी, करते हैं शुरू फिर। फ्रेंड्स, हमने जो है सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली जो है ट्रांजिशन होती क्या है। फ्रेंड्स की जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और कन्वर्टिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांजिशन। यानी आप एक स्टेट में हैं, जब आप किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, स्टेट से मुराद लोकेशन वाली स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि आप एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जब मुंतकिल होते हैं, उस सारे प्रोसेस को जो है हम ट्रांजिशन का नाम देते हैं। अब प्रोग्रामिंग में ये क्या चीज़ होती है, जैसा कि हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपको सारा माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट कर ही देते हैं यार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है यहाँ पे ट्रांजिशन हम इस पर अप्लाई करते हैं, लाइक इस पर जो है यहाँ पे मैं इसकी को ऊपर होवर लेके आ रहा हूँ, तो फौरन से ये एक सेकंड के अंदर अंदर जो है ये इसका कलर चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है और टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है। अब ट्रांजिशन के थ्रू जो है हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे कि किस तरह जो है कितने सेकंड के बाद हो और किस तरह हो, मजीद ये किस स्टाइल में हो, इस तरह की चीज़ें जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम जाते हैं अपनी कोडिंग में देख लेते हैं जी। तो कहाँ गया यार, ओके जी, ये हमारे पास इंडेक्स फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास लिंक्स है, इसकी स्टाइल शीट भी ओपन कर सकते हैं, हमारे पास ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मेन्यू है ना, ये मेन्यू के अंदर हम आते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे जी मेन्यू ए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल हमने ऐड करनी है एक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन, एंड देन आपने यहाँ पे डैश यूज करते हुए प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपने किस पे अप्लाई करनी है ट्रांजिशन, लाइक मैं कहता हूँ कि जब ये इसके होवर हो तो इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है ना ये बड़ा ज़रा स्लोली जो है ना चेंज हो, तो यहाँ पे इसको मैं कलर देता हूँ सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं ट्रांजिशन जो है डिस्प्ले ड्यूरेशन जो है यहाँ पे मैं देता हूँ लाइक 2 सेकेंड्स दे देता हूँ, 2s लिखूंगा तो ये 2 सेकेंड्स को इंडिकेट करेगा, सेमी कॉलन, इसको मैं जो है उसके बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो ये देखें ये आहिस्ता से जो है इसके ऊपर लेके आऊँगा तो आहिस्ता से ये अपना कलर जो है ब्लू करता है, देखिएगा इसके ऊपर लेके आऊँ आहिस्ता से हो रहा है, जब लीव करता हूँ तब भी आहिस्ता से कलर उसका चेंज हो रहा है। तो ये थी ट्रांजिशन फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है हम मजीद आगे चलते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं 4 सेकेंड्स दे दूँ तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अब ये बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज हो रही है ना, तो इस स्टेट को चेंजिंग को प्रोसेस को सारे को हम जो है नाम देते हैं ट्रांजिशन का। ये चेक करें, ये देखें इस तरह सारों पे ये चीज़ अप्लाई हो गई है। तो अब इसकी थोड़ी जो है हम डिटेल्ड एग्जांपल देखते हैं, लाइक यहाँ पे जो है हमारे पास ये इमेज थी ना जो हमने पिछली एग्जाम्पल्स वगैरह में की थी, तो इस पर अप्लाई कर लेते हैं। अभी बेसिकली ऑनलाइन इमेज उठा रहा है, तो इस इमेज को जो है ना मैं कुछ सेव कर लेता हूँ और फिर इसको जो है हम स्टैटिक वे में जो है यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते हैं।
ये जी डाउन डेस्कटॉप पे मेरे पास लर्निंग का पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो इमेज में आके मैं ट्रांजिशन के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके इंडेक्स फाइल में जाता हूँ, और इधर जो है मेरे पास में बेसिकली ये है इमेज बैनर है ना, तो यहाँ पे इसको मैं सोर्स जो है चेंज कर देता हूँ img, एंड देन जो है मेरे पास क्या था transition.jpg, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमारे साथ अगेन जो है रिफ्रेश करूँगा तो यही इमेज आ रही है, ठीक है जी। अब इस पे अप्लाई करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये जब इसके होवर हो तो ये जो है स्लोली यानी ये पहले हिडन हो, इसके होवर हो जाए तो ये फिर शो हो जाए एक स्लाइड की तरह जो है नीचे से ऊपर की तरफ आए, एंड देन जो है मैं अगेन इसको अगर लीव करूँ तो ये फिर नीचे चली जाए। तो उसके लिए सिंपल फ्रेंड्स हमने क्या करना है, हमने अपनी कोडिंग में जाना है और यहाँ पे आके जी हमने क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, नीचे img बैनर हमारे पास कहाँ है, ये है ना एरिया ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास img बैनर है और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आके फ्रेंड्स मैंने सिंपल इसको जो है, पहले तो मैं बेसिकली इसको नीचे लेके आना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे नीचे आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ट्रांजिशन की जगह यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म का एक फंक्शन यूज करता हूँ, और देन यहाँ पे मैं एक ट्रांसलेट का पिछले लेक्चर में जो है हमने यूज़ किया था ट्रांसलेट वाई, अब इसको मैं मूव कराना चाह रहा हूँ नीचे क्योंकि हमने ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले जो है हम एक काम ये करेंगे कि इसको पहले नीचे लेके जाना है, देन ट्रांजिशन के थ्रू जो है इसको स्लोली ऊपर लेके आना है, देन जब हम लीव करेंगे इस कंटेंट के ऊपर से, इस एलिमेंट के ऊपर से लीव करेंगे यानी होवर इफेक्ट जब हम लगाएंगे इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारा होवर इफेक्ट होगा, जब इसको लीव करेंगे तो ये होवर इफेक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ऊपर लेके आएंगे तो ये नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा और जब लीव करेंगे तो फिर ये नीचे चले जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है इसको मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो पोजीशन को चेंज करने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म का हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया, उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन पड़ा था ट्रांसलेट वाई क्या करता था, हमें जो है वर्टिकली इसकी पोजीशन चेंज करता था। तो यहाँ पे हमने कितने पिक्सल नीचे जाना है अभी हमें नहीं पता, तो सिंपल अगर आप इसको 100% कर दें तो ये यहाँ पे हमारी पोजीशन जो है इस एलिमेंट की चेंज कर दे, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने ये बिल्कुल नीचे चला गया। अब एक और चीज़, अब इसको यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमने तो इसको जो है नीचे तो ले आए हैं लेकिन हमने इसको हिडन करना है ताकि हमें नज़र ना आए, तो उसके काफ़ी तरीके के कार हैं, तो सिंपल मैं जो तरीका कार यूज़ कर रहा हूँ ये हमने उसको ट्रांसलेट वाई करके इसकी पोजीशन को नीचे ले गए, एंड देन इसकी जो पेरेंट टैग है, पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर जो है हमने हिडन ओवरफ्लो को यूज़ कर लेना है, लाइक ये हमारे पास बैनर इमेज डिस्क्रिप्शन है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करते हैं जी इमेज बैनर में आके ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं ताकि नीचे जो इसके ओवरफ्लो आ रहा था इसके चाइल्ड एलिमेंट में वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप देखें आपके सामने है ये टोटली यहाँ से हिडन हो गया, हमें नज़र नहीं आ रहा। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नई क्लास हम बनाते हैं, यहाँ पे img बैनर होवर, कि इमेज बैनर पे जब होवर हो तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अगेन बैनर डिस्क्रिप्शन को है, यहाँ पे हमारे पास img बैनर डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी ये हमारे पास आ रही है, तो बैनर डिस्क्रिप्शन पे हम कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ट्रांसलेट वाई फंक्शन को यूज़ करते हुए, इसको जो है हम आके ज़ीरो कर देते हैं। अब इसको मैं अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये एक सेकंड से पहले जो है हमें इसको डिस्प्ले करवा देता है, और जैसे यहाँ से लीव करता हूँ तो एक सेकंड से पहले जो है इसको हिडन कर देता है। अब हमने इसको ट्रांजिशन के थ्रू जो लेके आना है कि इसका प्रोसेस जो है वो स्लो करना है, तो उसका तरीकाकार फ्रेंड्स क्या है, इसके सिंपल हमने यहाँ पर आना है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर हमने ऊपर आके ट्रांजिशन जो है उसको कर देना है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो अब हमने बेसिकली बजाय हम करें कि कलर करें, बैकग्राउंड करें, लाइक ऊपर अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि पिछली दफ़ा जो है हमने लास्ट एग्जांपल की थी, एक छोटी सी एग्जांपल, उसमें हमने किया था जस्ट कलर पे, अगर वहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर पे भी ये ट्रांजिशन लगाना चाहता, यानी मैं चाहता कि जैसे ये इस पर होवर हो तो ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो आहिस्ता से ट्रांजिशन के थ्रू, और इसका कलर टेक्स्ट कलर भी चेंज हो ट्रांजिशन के थ्रू, तो इट्स मीन मैं दो प्रॉपर्टी उसको दूंगा, यहाँ पे क्या दूंगा, दो प्रॉपर्टीज दूंगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कलर दूंगा, कॉमा लगा के मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो
कॉमा लगा के यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, बजाय इसके कि मैं बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी यहाँ कॉमा लगा के दूँ, तो सिंपल हमने क्या यहाँ पे यूज करना है ऑल। अभी हमने प्रॉपर्टीज वगैरह सारी ऑल सेलेक्ट कर ली, अब इसको हमने ट्रांजिशन जो है ड्यूरेशन देनी है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है हमने यहाँ पे देनी है 2 सेकेंड्स, 2s दे देते हैं यहाँ पे, और इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने जो है ये देखिएगा, इसके ऊपर जो होवर होता है तो ये 2 सेकंड के अंदर अंदर जो है स्लाइड नीचे से ऊपर की तरफ आती है, और जैसे लीव करता हूँ 2 सेकंड्स के का टाइम लेके ये हिडन हो जाती है। अब अगर मैं इसको 1 सेकंड कर दूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है ये होवर इफेक्ट भी हो रहा है, और होवर से जैसे हम लीव कर रहे हैं तब ये भी इफेक्ट 1 सेकंड के अंदर अंदर हो रहा है। अब इसको जो है मजीद में थोड़ा डीप लेके जाता हूँ। अब जैसे इस पर होवर कर रहा हूँ, ये जो है स्लाइड तो हो रही है, हमें शो तो हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी भी जो है वो भी साथ साथ ट्रांजिशन के थ्रू जो है वो यानी वर्क करे। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, यहाँ पे मैं आके सिंपल इधर जो है यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे हमने जो है ओपेसिटी दे देनी है, लाइक ओपेसिटी मैं दे देता हूँ 1, बल्कि 0 यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे अगर इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने ये अभी नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि हमने ओपेसिटी 0 दे दी है। अगर यहाँ पे 1 दे देंगे देन ये क्या करेगा, अब हमारे पास ठीक है जी ओके हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ ओपेसिटी जो है वो 1 दे देता हूँ। इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिएगा ये जैसे ही इसके ऊपर आता है तो साथ साथ जैसे ही ये यानी हमें टेक्स्ट और स्लाइड शो होती है तो साथ साथ में हमारी ओपेसिटी भी हमें जो है कम से ज़्यादा होती है। अगर आपको ये देखिएगा स्टार्टिंग में, देखिएगा जैसे इसके ऊपर स्टार्टिंग में हल्की सी ओपेसिटी होती है। इसको मजीद क्लियर करने के लिए यहाँ पर जो है मैं अगर 6 दे दूँ तो अब देखिएगा, और अगर इसको मैं मजीद 3 कर दूँ, लाइक 3 कर देता हूँ, और अब चेक कर दिया जी कुछ फ़र्क हो रहा है फील, पर ये बिल्कुल लिटिल बिट सा फ़र्क है, आपको मे बी ना शो हो लेकिन ये बेसिकली फेड इन आउट हो रहा है हमारे पास, ये चेक कीजिएगा। अब देखिएगा स्टार्ट जब करते हैं तो बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो आपकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। ओके जी, इस एग्जांपल को जो है हम थोड़ा मजीद एक्सपेंड करते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अगर मैं लेके आऊँ तो इमेज का साइज़ भी जो है वो भी कम ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आते हैं जी, हमारे पास इमेज बैनर की जो है कहाँ पे है, ये हमारे पास इमेज बैनर है, ये इमेज बैनर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सिंपल एक और क्लास बना लेता हूँ img बैनर के नाम से, और होवर यहाँ पे हमारे पास होवर आ रहा है लेकिन साथ में ये भी आ रहा है। यहाँ पे मैं एक और क्लास बना लेता हूँ img बैनर, और जब ये होवर हो, ये वाली क्लास जब होवर हो तो फिर क्या हो, इधर आके मैं ट्रांसफॉर्म का की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे फंक्शन हम यूज़ करते हैं स्केल, स्केल यूज़ कर लेते हैं 1.5 इसको दे देता हूँ ताकि ये 1.5 का स्केल जो है बढ़ जाए, इसकी जो जूम इन आउट हो जाए। और अब यहाँ पे आके इमेज बैनर में आके मैं इधर यहाँ पे आके मैं जो है ट्रांजिशन ऑल 2 सेकेंड्स दे देता हूँ। अब यहाँ पर पहले क्या करते थे हम, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी करते थे ऑल, और यहाँ पे क्या करते थे ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है 2 सेकंड्स करते थे। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिएगा जस्ट 1 मिनट ये इतनी स्पीड से जा रहा है आपके सामने। उसकी रीज़न ये है मैं, और ये साथ में अपने जो है पेरेंट कंटेनर से भी हट रहा है, तो उसका हाल मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। यहाँ पे जी सिंपल आपने होवर के आगे img लगा देना है, यानी इमेज होवर बैनर की क्लास के अंदर जो हमारे पास इमेज बैनर जो है होवर जब हो तो उसके अंदर जो img है उसका स्केल जो है 1.5 करना है। तो उसको हमने जो है हिडन ओवरफ्लो उसके पेरेंट में यहाँ पे दिया हुआ है हिडन ओवरफ्लो, तो इस वजह से अब ये इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिएगा ये यहाँ पे ये अपने कंटेनर से बाहर नहीं जा रहा। ओके जी, एक और काम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन ड्यूरेशन यूज़ करते हैं उसको मैं उसकी आपको मैं शॉर्ट हैंड भी बता देता हूँ कि हम किस तरह यूज़ करते होते हैं।
ये हमारे पास है ना बेसिकली यहाँ पे हमने यूज़ की है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल और ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो उसको अगर आप सिंपल जो है ट्रांजिशन कर दें और यहाँ पे ऑल कर दें और 2 सेकंड्स कर दें तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा सेम। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लाइन को आप सिंगल लाइन में जो है स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमने लास्ट टाइम एक सर्कल बनाया था, उसको ओपन कर लेते हैं। ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स का जो हमने पेज बनाया था ना वहाँ पे हमने बॉक्सेस बनाए थे तो उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास बॉक्सेस है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। इस पे जो है मैं कुछ चाह रहा हूँ कि ज़रा फ्लश फश हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो है ये वाला पेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। और इसकी जो है सी एस एस हमने यहाँ पर की हुई थी, तो हमारा बॉक्स जो है सर्कल वाला वो है सेकेंड, ये वाला बॉक्स बी। आई वॉन्ट टू बी बिकम अ सर्कल। बॉक्स बी पे मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर आए हमारा कर्सर आए तो ये ज़रा जो है ना इसका टेक्स्ट वो ज़रा घूमे फिरे, ठीक है, यानी वो भी स्क्रॉल करे घूमे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, सिंपल आता हूँ और बॉक्स बी में आके मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ जी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और मैं ऑल कर देता हूँ और ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो मैं कर देता हूँ 2 सेकेंड्स और यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग का हमने जो है एक फंक्शन यूज़ करना है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो है मैं फ्रेंड्स अगर लीनियर देता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी यहाँ पे जो है वैल्यूज़ हैं, लीनियर देता हूँ तो ये क्या करता है आपके सामने इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये बिल्कुल भी जो है मूव नहीं कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने बॉक्स पी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म का एक फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और रोटेट फंक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो हम यूज़ करेंगे। उसका रोटेट जो है मैं करवा देता हूँ 360 डिग्री, सेमी कॉलन लगा के मैं जैसे ही सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी नहीं हो रहा। खैर देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा जी। ये यहाँ पे हमने जो है सोडो क्लास नहीं यूज़ की, होवर की। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा आपके सामने जो है कायदा रोटेट कर रहा है 360 डिग्री। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि जब हम रोटेट का फंक्शन यूज़ करते हैं 360 डिग्री रोटेट किया तो बेसिकली ये रोटेट हो रहा होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। तो अब आपके सामने जैसे इसके ऊपर लेके आता हूँ ये रोटेट करता है 360 डिग्री ग्रेड और जैसे लीव करता हूँ अगेन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे हमने जो लीनियर यूज़ किया है तो ये बेसिकली क्या करता है आपका स्पीडली जो है रोटेट करता है। अगर यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक एस इन दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्टार्ट में जो है स्लो होगा और एंड जो है ये फास्ट होगा, ये देखिएगा, ठीक है जी। जैसे लीव करता हूँ अगेन उसी तरह स्टार्ट स्लो हो रहा है और एंड जो है वो फास्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं आउट दे देता हूँ तो इसके अगेंस्ट हो जाएगा, स्टार्ट जो है फास्ट हो जाएगा और एंड जो है वो स्लोली होगा। इसी तरह अगर मैं जैसे लीव करता हूँ स्टार्ट फास्ट हो रहा है और जो है लीव एंड हो रहा है वो स्लो हो रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप इस इन आउट भी दे सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, स्टार्ट भी फास्ट होगा लेकिन परफॉर्म जो है वो स्लो होगा और एंड भी जो है वो फास्ट होगा। अब देखिएगा एक यहाँ पे अगर इसको सारे को मैं रिमूव कर दूं तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये इस इन आउट ही यूज होता है, यानी इसने जो है ये चेक कीजिएगा, ठीक है, स्टार्ट भी आहिस्ता से हो रहा है, परफॉर्म फास्ट हो रहा है एंड देन एंड भी स्लो से हो रहा है। इस सारे प्रोसेस को अगर आप जो है सारी स्टेटमेंट्स को एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है, ट्रांजिशन लिखना है, यहाँ पे ऑल लिखना है, अपने आगे टाइम जितना भी आप देना चाहें 2 सेकेंड्स देना चाहें 3 सेकेंड्स देना चाहें वो दें, देन फिर आपने सिंपल इस आउट अगर लिखना चाहते हैं तो ये ले लें, इन करना चाहते हैं वो दे दें, डिफ़ॉल्ट रहना चाहते हैं तब भी आप रख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है जी। अब एक और हम काम करते हैं, हमने इसको साइज़ दिया हुआ था
हाइट जो है हमने 200 दी थी, विड्थ भी 200 दी थी। अगर यहाँ पे इसको मैं 200 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 200 कर देता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैं लेके आता हूँ तो ये कॉर्नर पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने लाइन हाइट जो है वो 300 पिक्सल दी हुई है। सो ये भी हमारे पास एक अच्छा जो है इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, कोई चीज़ को उसको कॉर्नर पे आपने घुमाना है, जिस तरह जो है आपने कोई अब सर्कस वगैरह में आप देखते हैं मौत का कुआं, तो वहाँ पे कोई जो है सर्कस वाला बंदा जो होता है वो गाड़ी घुमा रहा होता है या बाइक घुमा रहा होता है, तो कॉर्नर पे घुमा रहा होता है ना। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैंने सर्कस आपको बना के दिखा दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 200 कर दूँ तो अगेन अपनी नॉर्मल पोजिशन पर रोटेट करेगा। ओके फाइन, आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, उन पर कमेंट करना, उन्हें लाइव देखना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस देखने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।